नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के खिलाफ आंध्र भवन में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक दिवसीय का उपवास रखा, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के समस्त विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। नायडू के धरना धर्मपुरता दीक्षा में डॉक्टर सिंह के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, द्रविड़ मुनेत्र कषगम नेता टी शिवा, लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी शामिल हुए। सिंह ने यहां प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बंटवारे के समय में केंद्र सरकार की ओर से किए गए वादों को, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के वादे को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें संसद में मौका मिलता है तो वो आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ खड़े होंगे और बिना किसी देरी के वादों को पूरा करवाएंगे। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के हजारों लोगों को प्रदर्शन के लिए दिल्ली आने का फैसला करना देश के संघीय ढांचे के लिए बड़ा सवाल पैदा करता है। उच्चतम न्यायालय ने शारदा चिटफंड घोटाला मामले की न्यायालय की निगरानी में जांच कराने से एक संबंधित याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की दो सदस्य पीठ ने निवेशकों के एक समूह की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा, हमें इस याचिका में कोई औचित्य नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम शारदा चिटफंड घोटाला मामले की न्यायालय की निगरानी में जांच कराने संबंधी याचिका को खारिज करते हैं। कांग्रेस तथा वाम दलों के बीच लोकसभा ने वित्त वर्ष 2019-20 के पहले चार महीने के लिए लेखानुदान मांगों तथा उनसे जुड़े विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक को पारित कर दिया है। सदन ने वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी अनुपूरक अनुदान मांगों एवं उनसे जुड़े विनियोग विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। वित्त विधेयक 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि कर दरों में कोई बदलाव किए बिना 5 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को कर में 12,500 रुपए तक की छूट दी जाएगी। इससे पूर्व वित्त मंत्री पीयूष गोयल अंतरिम बजट पर करीब 7 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें सरकार ने एक तरह से पूर्ण बजट पेश कर परंपराओं का उल्लंघन किया और बजट को चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि यदि यह पूर्ण बजट होता तो इसमें नई घोषणाएं की जाती। उल्टे पिछली सरकार ने 2014 में चुनाव से पहले अंतरिम बजट में महंगी गाड़ियों पर कर कम करके अमीरों को राहत देने का प्रयास किया था। हमने बजट में आम आदमी के लिए प्रावधान किया है, 5 लाख रुपए तक की आमदनी वाले मध्यम वर्ग को कर में पूरी छूट दी गई है और असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के ट्रंप कार्ड के तौर पर सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा के नवाब नगरी में आयोजित मेगा रोड शो ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हाशिए पर खड़ी देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जोश भर दिया है। तहजीब के शहर में राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले बुजुर्गों की माने तो उन्होंने अपने जीवन में किसी भी नवोदित नेता का ऐसा इस्तकबाल पहले नहीं देखा था। निसंदेह प्रियंका की धमाकेदार एंट्री कांग्रेसियों के बुझे चेहरों को दमकाने के लिए काफी थी। अमोसी एयरपोर्ट से माल एवेन्यू स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय तक के 14 किलोमीटर के फासले पर चला यह रोड शो प्रियंका की लोकप्रियता को बयां करने के लिए काफी था। प्रियंका की उड़ान उतरने का समय दोपहर 12 बजे निर्धारित था, लेकिन उससे 2 घंटे पहले से ही एयरपोर्ट और आसपास के इलाके में पार्टी समर्थक इस कदर जमा हो चुके थे कि पुलिस प्रशासन ने हवाई अड्डे की ओर आने वाले रास्तों में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध कर दिया था। निर्धारित समय से करीब 45 मिनट की देरी पर कांग्रेस की महासचिव के प्लेन की लैंडिंग हुई। हवाई अड्डा परिसर से बाहर सड़क तक प्रियंका राहुल जिंदाबाद के नारे लगने लगे। धूप खिली होने के बावजूद चुभन भरी सर्द हवाओं के बीच प्रियंका हवाई अड्डे से बाहर निकली और चीर परिचित मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज के साथ। धन्यवाद।